ख्वाहिश थी कि चलो मैं ये हूँ सो हूँ, चलो ये तो है, पर मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ना, इससे हट के कुछ हो। एक तो स्टिग्मा लगा अभी कि खुश रहे हैं। अभी जब से ये मूवी बनी, मेरी मूवी को अवार्ड मिला, तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी को बताया कि मैंने मूवी पर काम किया। और एज ट्रांसजेंडर्स, किसी शख्स के लिए ये मालूम करना कि वो ट्रांस है, इसका कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रांस की शिनाख्त का इशारा दे सकती हैं। सन 2009 में पाकिस्तान ने कानूनी तौर पर तीसरी जिंस को तस्लीम किया और 2018 में पहला ट्रांसजेंडर शिनाख्ती कार्ड भी जारी किया गया। हुकूमती इतिहाद में शामिल बड़ी जमात ने ट्रांसजेंडर एक्ट को चैलेंज कर दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट वक्त की अहम ज़रूरत थी, जिसे पास करके रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, क्योंकि ख्वाजा सरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो शर्मनाक चेहरा बनते जा रहे थे, जिसे हम अपना भी नहीं रहे थे और छुटकारा भी हासिल नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में कुछ ट्रांसजेंडर्स को मरकजी इदारे में शामिल करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब भी इस कम्यूनिटी को बहुत से मसाइल का सामना है। कोई जज्बात नहीं होते, मुल्क में ज़्यादातर ख्वाजा सरा अब भी भीख मांगने मुख्तलिफ महफलों में रक्स करने पर मजबूर हैं, लेकिन जब बात की जाए शोबिस की दुनिया की तो खासी खुली डुली कहलाती है, और जो चीज़ें आम लोगों के लिए नाकाबिले कबूल और अजीब होती हैं, वो इस चकाचौंध दुनिया में ना सिर्फ कबूल बल्कि किसी हद तक मामूल हो जाती हैं। और जैसे ही इन चीज़ों का जिक्र इस दुनिया के लोगों से जुड़ता है तो एक आम बयानिया उभर कर सामने आ जाता है। शोबिज में सब चलता है, और ऐसे ही मौजू पर बॉलीवुड और लॉलीवुड में फिल्में भी बनाई गई हैं और खूब माल कमाया और इनाम की हकदार भी रहीं। जॉयलैंड का प्रीमियर रवां बर्स फ्रांस में मुनक़दा कांस फिल्मी मेले में हुआ, जहां इसे शानदार पज़ीराई मिली। ट्रांसजेंडर के ही मौजू पर बॉलीवुड में फिल्में बनाई गईं, जिन्होंने सिनेमाघरों में खूब रौनक जमाई और बिजनेस भी दिया और कारीन ने खूब पसंद किया। पाकिस्तानी स्टार सरवत गिलानी ने कहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की पहली एंट्री पर ऐसा लगा जैसे एक ख्वाब पूरा हो गया। इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर डांसर की दिलेराना तस्वीर पेश की गई है। कांस फिल्मी मेले में जॉयलैंड ने बेहतरीन LGBT या हम जिन्स प्रस्तों के मौजू पर मबनी फिल्म का क्वेयर फॉर्म इनाम जीत लिया है। पाकिस्तानी हदायतकार साइम सादिक की ये फिल्म जिन्सी इनकलाब की कहानी है। इस फिल्म ने मखसूस मौजूदात के मुकाबले में भी जूरी प्राइज जीता। इनामात की इस कैटेगरी में नौजवान इख्तराई सिनेमा टैलेंट को मद्देनज़र रखा जाता है। फ्रांसीसी हदायतकार कैथरीन कोरसीनी का कहना है कि ये एक बहुत ही ताकतवर फिल्म है। कांस मेले में बहुत से लोगों के लिए ये जानना हैरानकुन था कि पाकिस्तान का शुमार इन अवलिन ममालक में होता है, जहां ख्वाजा सराओं या ट्रांसजेंडर के हक में कानून साजी की गई है। कांस मेले में ज्यूरी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड 24 नवंबर को पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत बनेगी। वफाकी व सूबाई सेंसर बोर्ड ने जॉयलैंड को रिलीज के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जबकि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के प्लेटफॉर्म से रिलीज किया जाएगा। फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी बेहतरीन फिल्म का एजाज़ भी हासिल किया। साइम सादिक के ज़ेर हदायत बनी फिल्म एक फिक्शन कहानी पर मबनी है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स की ज़िंदगी के वाक़यात को उजागर किया गया है। जॉयलैंड की कास्ट में अली जुनेजो, रास्ती फारूक, अलीना खान और सरवत गिलानी शामिल हैं। मज़ीद लेटेस्ट अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल 10 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।